नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एनईईटी विवाद पर चर्चा के लिए बुलाए जाने पर हंगामा। ১৯৩৬ में जून के महीने में 235 मिलीमीटर बारिश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा 228 मिलीमीटर बारिश हुई है। मणिपुर मुद्दे पर केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोकुमी ने इंफाल में विशाल रैली निकाली। आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। फुफूद थाने क्षेत्र में माखनपुर गांव आज सुबह एक दर्दनाक घटना घटी। खेत पर काम कर रही एक महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। महिला सुबह अपने खेत पर गई थी और उसी समय अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे महिला की तुरंत मौत हो गई। केस कुमारी, कौन सा गांव है? माखनपुर थाना। फफूंद, क्या हुआ है? बिजली गिर गई। क्या बजे? 5 बजे। तो ये कौन है आपकी? बहू मेरी। क्या नाम है इनका? किरण देवी। तो ये कहाँ थी 5 बजे? आर में थी, खेत पे। सुबह 5 बजे? हाँ। फिर आपको सूचना कैसे मिली? दूसरे गांव के आदमी ने सूचना करी। बच्चे कितने थे इनके? 3 बच्चे हैं, एक लंगड़ो विकलांग है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कन्या केलवणी महोत्सव एवं शाला भविष्योत्सव 2024 के अंतर्गत आज सुरेंद्रनगर जिले के थानागढ़ तालुका के सरोदी प्राथमिक विद्यालय में आंगनवाड़ी एवं बाल वाटिका के बच्चों को पोषण किट एवं नवागंतुकों को शिक्षा किट प्रदान किए। इस अवसर पर गुजरात के नामी हास्य कलाकार और पद्मश्री साहबुद्दीन राठौड़ और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्कूली जीवन प्रारंभ करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आदेश पर बेटियों को विद्यालय लक्ष्मी बांड की रक्षा का चेक भी वितरित किया गया। द्वारा आयोजित कन्या केलवणी और शाला प्रवेशोत्सव 2024 अंतर्गत सुरेंद्रनगर जिला ना कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित पद्मश्री साबुद्दीन भाई राठौड़, मारा साथी धारासभ्य श्री श्यामजी भाई चौहान, जिला संगठन ना प्रमुख श्री हितेंद्र सिंह चौहान, तालुका पंचायत ना प्रमुख श्री सौसी भाई चावड़ा, जिला पंचायत ना सदस्य श्री जवेर भाई झाला, तालुका संगठन ना प्रमुख श्री करमशी भाई रंगपरा, सारोड़ी गाम ना सरपंच श्रीमती मंजूबेन चावड़ा, चुटायेला जनप्रतिनिधि अधिकारी कलेक्टर श्री उपस्थित अधिकारीगण, विद्यार्थियों, प्रेस मीडिया रा मित्रों, सब ने मारा नमस्कार। आम अपने जिल्लाओ अने जिल्लानी अंदर नु छेल्लू गाम सरोड़ी एवं कही है आपने के भैया जिल्ला नु छेल्लू गाम छे। मारे आ वखते ज्या ज्या गयो, डांग गयो, तो डांग मा पण ए गाम डांग जिल्ला नु छेल्लु गाम है, पण त्यां पण अने आजे अहींया हुं आयो छुं तो त्यां पण बन्ने जिल्लाना छेल्ला गामे शिक्षको, वालीओ अने विद्यार्थीओ द्वारा
जे रीतनी कामगिरी थई छे जे आ बन्ने गाम जे छेल्ले कहीए छे के जिल्लानुं छेल्लुं गाम कहीए छे एना करता जिल्लानुं पहेलुं गाम कहेवाय एवा बधा ज कामो अहींया थया छे। શાળાના શિક્ષકો દ્વારા હું અહીંયા આવ્યો પેલા માહિતી મેળવી તો કે ખૂબ સારું કામ થઈ રહ્યું છે। અહીંયાથી તમે જુઓ તો જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ પણ દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી ગમે ત્યાં બેઠો હશે તો એ આજે પ્રાર્થના અહીંયાથી શરૂ થતી હતી તો પ્રાર્થનામાં જ્યાં બેઠો હતો ત્યાંથી એ સહભાગી થયો। બાકી આપણે ઘણા બધા જોઈએ છે કે ભાઈ બાળપણ હોય વિદ્યાર્થી કાળ હોય એટલે જેવો એને ફ્રીડમ મળે એટલે એ શાંતિ રાખીને બેસી ના શકે, પણ અહીંયા તમે જોયું તો પ્રાર્થના ચાલતી હતી તો ભલે આજુબાજુ ગમે ત્યાં અવાજ થતો હતો પણ એ આ વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ પ્રાર્થના સારી। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हुए जलभराव के बीच आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 1936 में जून के महीने में 235 मिलीमीटर बारिश हुई थी, आज जून के महीने में दूसरी सबसे ज़्यादा 228 मिलीमीटर बारिश हुई है। 1936 के बाद जून का महीना बुनियादी ढांचा इतनी भारी बारिश से निपटने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। उस एंगल से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पीछे जो जानकार कह रहे हैं कि 1936 में 235 mm जून के महीने में बारिश हुआ था, आज सेकेंड लार्जेस्ट बारिश हुआ है 228 mm 1936 के बाद जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज़्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। आप देख ही रहे हो कि भाई एयरपोर्ट पे भी एक छत गिर गया है, वहाँ भी लोगों की जान गई है। मेरे क्षेत्र में हो या आसपास क्षेत्रों में माल का नुकसान हुआ लेकिन जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है। और आज मेरे पीछे जो देख रहे हैं कि वो मैं SFS हॉस्कास फ्लैट में खड़ा हूँ, ये जो एक धस गया है पूरा ज़मीन, ये हमारा नाला है जो कि बारिश का पानी लेके आता है ग्रीन पार्क मेन से, तो वो इसके कारण ग्रीन पार्क मेन में फ्लडिंग हो गई। तो अब सब पे काम चल रहा है, अधिकारी और मैं खुद 4 बजे सवेरे से लगे हुए हैं, हर गली जा रहे हैं, हर सड़क जा रहे हैं, हर वो जगह जा रहे हैं जहाँ की समस्या है। बेसमेंट्स में पानी इकट्ठा हो गया है, उनको हम लोग पंप आउट कर रहे हैं। MCD के अधिकारी भी लगे हैं, PWD भी लगा है, जल बोर्ड भी लगा है, डिजास्टर का टीम भी लगा है, DM का टीम भी लगा है, माननीय मंत्री खुद संज्ञान ले रही हैं। तो हर प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं, हमने अपना नंबर फ्लैश कर रखा है, जहाँ जहाँ समस्या आ रही है उस समस्याओं को हम तुरंत अटेंड कर रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलकर के, और जल्द ही इससे हम बाहर आएंगे। जिस तरीके से लगभग साउथ दिल्ली में खास करके काफ़ी जगह पानी जो है घर में घुस गए हैं, और यहाँ जो जिस इलाके में है यहाँ पर कम से कम हर गाड़ी में पानी घुस गए हैं। मैंने कहा ना कि चूंकि बारिश इतनी ज़्यादा बारिश को एक उम्मीद नहीं कर सकता था कि भाई 4-5 घंटे में हो जाएगी, मतलब पिछले एक सेंचुरी यानी 100 साल में दूसरी बार इतना बारिश जून के महीने में हुआ है। इसके पहले हुआ था 36 में 1936 में। तो हम समझ पाते हैं कि जब इस प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो उसमें सबसे अधिकतर हम क्या कर सकते हैं कि हम हर प्रकार से जनता की मदद के लिए खड़े रहें। जहाँ कहीं समस्या होगी, जहाँ कोई अटकेगा, जहाँ कोई गाड़ी अटकेगी, हर प्रकार से अधिकारी भी सरकार भी सब मैं भी खुद भी सब कोई हम लोग खड़े हैं 24 घंटा, और जिससे कि जनता को कहीं तकलीफ ना हो, तकलीफ हो तो कम से कम हो। अरविंदो रोड पे जो फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पर भी धस गए हैं, आप देखें उन्हें पूरा धस गया है। नहीं वहाँ धसा नहीं है, बारिश का पानी एकत्रित हो गया था वहाँ, अब पानी निकल रहा है, मेरा ख्याल अब निकल चुका होगा, पैदल चलने वाला है। हाँ, जो चूँकि बारिश का पानी जो है वो इस प्रकार से इकट्ठा हो जाएगा कहीं भी ना, तो जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है आपके पाइपलाइन की उससे कई गुना ज़्यादा बारिश हो गई है। तो फिर भी हमने बहुत कुछ संभाल लिया, अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में
किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा वो जो नुकसान किसी के बेसमेंट का हुआ है वो सब हम लोग रिकवर कर लेंगे, बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा नीट विवाद पर चर्चा के लिए बुलाए जाने पर हंगामा हो गया, लेकिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे बीच में ही रोक दिया। खड़गे कथित तौर पर सदन के वेल में प्रवेश कर गए क्योंकि उन्होंने कहा कि सभापति उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। बाद में सदन से बाहर आते हुए खड़गे ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक बड़े घोटाले हैं, इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्ष ने विशेष चर्चा की मांग की, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। खड़गे ने पहले चर्चा की मांग के लिए राज्यसभा की प्रक्रियाओं के नियम 267 का इस्तेमाल किया। इस बीच जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय संसदीय परंपरा इतनी खराब हो गई है कि विपक्ष के नेता वेल में आ जाएंगे। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है सर, सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट, क्या है 7 साल में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, 70 आई एम नॉट गेटिंग, नो लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इशू, नो सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर, सर सर बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है आज एक संसदीय इतिहास में कि लीडर ऑफ द हाउस और डिप्टी लीडर वहां आ गए और मैं सरप्राइज हूं, पेन। देखिए ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूं चेयरमैन साहब की, मैंने हाथ उठा रहा 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया, मैं तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे, यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया, तो मेरे को क्या बचता है, तो उनका ध्यान खींचने लेके लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या फेरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करें, कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा, हमने किसी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बना ही कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको उन्होंने फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है,
ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं, भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। मणिपुर में लंबे समय से चले आ रहे जातीय संकट का समाधान ढूंढने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को इम्फाल में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, क्योंकि मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति कोकोमी ने एक मेगा रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी क्षेत्रों के हजारों लोगों ने भाग लिया। मार्च थांगमी बैंड TAU ग्राउंड में शुरू हुआ और रैली में छात्रों और महिला स्वयं सेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा के बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। यह रैली राज्य में जारी संकट की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है। इस बीच सुरक्षा कर्मियों को खुयाथोंग, नागमलाल ओवरब्रिज, कांगला पश्चिमी गेट और BOC क्षेत्र में पहरा देते देखा जा सकता है। बता दें कि राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर धारा 144 घोषित की थी। This rally is going to show the unity of the Mitais and delay in taking up the solutionary measure. So we have to show the solidarity of all the people of Manipur and to solve this problem and to become a peaceful coexistence solution. The root of the rally is from here. This is the top ground, Thangmiban, along the Nagama Park and the passing through BT Road and then Kangla Park, and the last destination is Kumalam Park. Tamo, at the moment parliament session is going on. Yes. What are the expectations that you want to raise to the house? We have already pursuing the honorable MPs, new MPs of Manipur, just to present and just to express their opinion and the Manipur people's opinion to the ongoing parliament. So I think they will participate and they will show their activities for the sake of Manipur. Tamo, at the moment there is apprehension in the mind of the people that large number of additional security force will be deployed in Valley district and mass scale combing operation will be done in Valley. What is your opinion on that? These are the Manipur people doesn't expect any outcome, any good outcome and any reasonable outcome from the deployment of this army, because this so many troops of army has arrived, but we don't see their existence in the Valley district. So we think they all are posted in the hill areas and adjoining areas, and they are not for the protection of Mitais, they are only for the other people. Now your designation now? Yunab Chandil Kumar. अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।